हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्रिकेट की 10 बड़ी खबरें। तो बिना देरी के हुए वीडियो तो शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बड़ी खबर यह है कि केन विलियमसन अपने घर में अपनी बेटी के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के होम शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया है। 4 T20 पाकिस्तान के साथ, 3 टेस्ट वेस्ट इंडीज के साथ, 3 टेस्ट श्रीलंका के साथ, 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहीं 5 वनडे ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड 2024 में अपने घर पे खेलेगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि दया चंदा खिसकने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोपेस से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। चौथी बड़ी खबर यह है कि इमर्जिंग एशिया कप के लिए इंडियन टीम का टीम अनाउंसमेंट किया गया। यश धूल को टीम का कैप्टन बनाया गया है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर 2024 में ब्रिटिश नागरिकता लेंगे। 2024 में वे IPL भी खेल सकते हैं। छठी बड़ी खबर यह है कि जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और बाहर हो चुकी है। सातवीं बड़ी खबर यह है कि इंडिया का 11 नवंबर को या तो नीदरलैंड से या तो स्कॉटलैंड से मैच होगा वर्ल्ड कप बेंगलोर में। आठवीं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया चीफ सेलेक्टर घोषित कर दिया गया है। नौवीं बड़ी खबर यह है कि अजीत अगरकर की सैलरी 3 करोड़ रुपये होगी, पहले यह 1 करोड़ रुपये थी। दसवीं और आखिरी बड़ी खबर यह है कि एंडी बलबर्नी ने आयरलैंड क्रिकेट टीम की कैप्टनशिप से इस्तीफा दे दिया है। पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के नए कैप्टन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।